अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो रिश्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये निहायत जो है खूबसूरत खातून है। उम्र 39 साल है, 39 ईयर्स, और मुसलमान है, फिरका सुन्नी है। और एक अहम बात कि ये एक मुतअल्लिका खातून है, यानी कि इनकी तलाक हो चुकी है। 39 ईयर्स एज है, खूबसूरत है, स्लिम है। यह रिश्ता उन अफराद के लिए है जिनकी उम्र 50 साल या इससे कम हो और वो चाहते हो पहली या दूसरी शादी करना। तो दोस्तों, रिश्ते का मुकम्मल आगाज करने से पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये जो खातून है इनका नाम है इरम बीबी और ये बहावलपुर सिटी की रहने वाली है। तलाक हो चुकी है, इसलिए तलाक के बाद से ये बहावलपुर सिटी में अपने वालदैन के साथ रहती हैं। दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों बच्चे इनके साथ ही रहते हैं। खूबसूरत है इरम बीबी, मुसलमान है, फिरका सुन्नी है। इनकी जो तालीम है ये मैट्रिक है, इनके 10 जमात पास हैं। इनकी जो कास्ट है ये राजपूत है। इसके अलावा तकरीबन 4 साल हो गए इनके तलाक हुए। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र 50 साल या इससे कम हो और वो चाहते हो पहली, दूसरी या तीसरी भी शादी करना और शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हो, तो वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। बराए मेहरबानी, लड़का जो हो मुसलमान हो, फिरका जो हो उसका सुन्नी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, वो इनसे रब्ता कर सकता है। तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हैं इनसे रब्ता करना, बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और कोशिश किया करें कि अपना व्हाट्सएप का नंबर जो है वो लिख दिया करें, ताकि हमें आपसे रब्ता करने में आसानी हो। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इजाज़त दें और हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।